नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार ने आज फतेहपुर हलके के पंचायत सकरी गोलवा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनके प्रयासों से ही सफल हुए हैं। कृपाल परमार ने कहा कि फतेहपुर हलके के अंतर्गत रहने से गोलमा मार्ग जो कि बरसात के दिनों में बंद हो जाता था, पुल के निर्माण कार्य में उनका काफी योगदान रहा है जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फतेहपुर के आजाद प्रत्याशी कृपाल परमार ने बीजेपी प्रत्याशी राकेश पठानिया और कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया पर हमला बोलते हुए कहा उन्होंने हमेशा ही इस इलाके की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि पूर्व में राकेश पठानिया जहां से कई बार विधायक रहे हैं लेकिन उन्होंने हमेशा ही इन पंचायतों की अनदेखी की है। साथ ही यह भी कहा कि फतेहपुर हलके में जनता एक निर्णायक भूमिका निभाएगी और बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरह से उखाड़ देगी। उत्तराखंड के धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को हिमाचल के मंडी स्थित नाचन दयारकी के चैल चौक में बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक पावर हाउस के समान होता है और जो पावर हाउस से जुड़ता है उसे केंद्र की सहायता मिलती रहती है, वहां विकास तेज गति से होता है। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कई ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आई जिससे आम लोगों को बेहद लाभ पहुंचा। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और उज्ज्वला योजना से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। विश्व में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण से भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम हो, हर मामले में मोदी सरकार ने खूब काम किया है। रियलिटी को मानना पड़ा और निश्चित रूप में भारत में जो विदेश मिनिस्ट्री की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की जो भूमिका रही वो बड़ी सराहनीय रही और हम सबका जो मस्तक है गौरव से ऊंचा होता है इस प्रकार से मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट किया। चीन हमारा पड़ोसी है, चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, चीन से बहुत कुछ सामान आता है, आने के बावजूद भी तंग करता रहता है क्योंकि जब वो ध्यान बटाना चाहता है अपनी समस्याओं से तो लड़ाई छेड़ता है बॉर्डर के ऊपर। मोदी जी ने उसको भी बखूबी निभाया और चीन पर प्रेशर डाला और ये बात चली भारत के अंदर कि भारत के अंदर भारत का बनना चाहिए, वी शुड मेक इन इंडिया। आज जगह जगह हमारी लोगों की इंडस्ट्री चल रही है और भारत के अंदर निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे मोदी जी का अभियान हो, विकास का अभियान हो जिसमें मोदी जी ने सड़कें कनेक्ट की है। मैं केंद्र में रेल राज्य मंत्री था, मेरा सपना था कि मेरे पहाड़ में रेल आए और उसके लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग मैंने सर्वे कराया। आज मोदी जी की सरकार उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही है और 2024 के अंदर हमारी रेल उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगी। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप भी जब उत्तराखंड आएंगे तो रेल में बैठ करके बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। कोटलेहट विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी द्रविंद कुमार भुट्टो के समर्थन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने समूर में जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने कहा सभा में जो जुनून और जोश देख रहा हूं मुझे अपना भाषण देने से पहले एहसास हो गया कि द्रविंद्र भुट्टो की जीत तय है। सचिन पायलट ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को बार बार हिमाचल प्रदेश आना पड़ रहा है, इसे मालूम चलता है कि जनता मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव होगा। उन्हें कहा हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज सभा में जो मैं माहौल देख रहा हूं, जो युवाओं के अंदर मैं जोश देख रहा हूं
और हर चुनाव से पहले पता पड़ जाता है कि वहाँ सभा में कैंडिडेट में कितना विश्वास है, कितनी ताकत है। और आज मुझे अपना भाषण देने से पहले इस बात का एहसास हो गया कि देवेंद्र भुट्टो जी यहाँ से जीत कर जाएंगे और भारी बहुमत से जीत कर। पिछले जिसका निर्माण इंदिरा गांधी जी के समय हुआ 1971 में, उस समय जो जनसंघ के साथी थे हिमाचल प्रदेश के निर्माण का विरोध करते थे, आज हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बताई जाती है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की है, शिमला में सरकार बीजेपी की है, तो बहुत हमारे विकास हुए होंगे। और मैं देख रहा हूं जिस तरह प्रधानमंत्री जी गृहल की सरकार के काम के दम पर ये चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही हैं, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में मतदाता बिना वोटर कार्ड के ही वोट डाल सकते हैं, बशर्ते वोटर लिस्ट में उनका नाम होना जरूरी है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो फिर अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर आप वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 और प्रमाण पत्रों को वोट डालने के लिए वैध करार दिया। इस बारे में ई गजट पर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें मनरेगा जॉब कार्ड भी शामिल हैं। आयोग ने इसकी सूची जारी कर दी है। जिसके पास चुनाव आयोग की ओर से जारी फोटो पहचान पत्र नहीं है वे अन्य पहचान पत्र की मदद से वोट डाल सकेगा। हिमाचल में चुनावी माहौल के बीच जनता से खूब वादे हो रहे हैं। हिमाचल चुनाव में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने हिमाचल में पहली कैबिनेट में ही इसे लागू करने की घोषणा कर दी। बीजेपी भी लगातार ओपीएस पर संवेदनशीलता से विचार करने की बात कर रही है, तो प्रदेश में इसे बंद करने का ठीकरा कांग्रेस पर फूट रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र चौधरी ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि ओपीएस कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने इसे यहां खत्म किया। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए अगले 25 साल भारत को विश्व पटल पर एक शक्ति बनाने के लिए पीएम मोदी के साथ बने रहना जरूरी है और हिमाचल को भी अपनी भूमिका इसमें निभानी होगी, इसीलिए यहां बीजेपी सरकार का चुना जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1500 ऐसे नियम बदले हैं जो जनहित में नहीं थे। हिमाचल प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले बोल रही है। इसी बीच कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस योजना को बंद करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने वन रैंक वन पेंशन की बात कहते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने एक अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि केंद्र सरकार दूसरे देशों का उदाहरण देती है लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति दूसरे देशों से अलग है और ये योजना भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कुंवर पांचवीं बार मैदान में है। वीरेंद्र कुंवर अपने विकास के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल व नारी के कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कर उन्होंने अपने पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। वीरेंद्र कुंवर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की हिम केयर, सहारा, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, कन्यादान योजना जैसी कई योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिला है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर के सभी को पेंशन भी बीजेपी सरकार द्वारा ही दी गई है। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।